हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीक फर्स्ट डे मंडे और मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। तो लास्ट वीक में मैं अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो आज से मैं चालू हो गया, अच्छे से आपको काम करके दूंगा, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ओके, तो बताएंगे आज हमने कितना प्रॉफिट बुक किया और कैसे हमने काम किया, मार्केट आज कैसा गया, मार्केट से हम क्या सीख सकते हैं और कल मार्केट कैसे होने वाला है, सब कुछ देखेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से देखना। सबसे पहले बताएं प्रीमियम ग्रुप में हमने कितना प्रॉफिट आज बुक किया है। ओके, नंबर्स बताने पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। ओके, अगर आप ज्वाइन हो गए या सीखोगे कुछ तभी आपको कुछ मिलेगा। तो हमने फिर भी बता दिया 50K+ का हमने प्रॉफिट बुक किया है। स्टॉक ऑप्शन में इंडेक्स ऑप्शन दोनों पे हमने काम किया, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है वो NTPC से हमको मिला है। NTPC का हमने काम किया था और जो बैंक निफ्टी का है वो हमने सिर्फ एक लॉट का ही प्रॉफिट काउंट किया है, जेरा लॉट का प्रॉफिट हमने काउंट अभी तक नहीं किया। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि इन फ्यूचर में सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप हमसे मिल पाए। आप लोगों का मन हो रहा होगा कि हम लोग कौन सा कॉल्स पे काम करके इतना पैसा बनाया आज। ओके, अगर आपको वो सब कुछ जानना है तो काइंडली फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर मैंने सारा कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन होते तो अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से भी आप गेन कर पाते हैं। ओके, तो जाओ फटाफट ज्वाइन हो जाओ और कल से प्रॉफिट बुक करना चालू कर दो। तो आज मार्केट क्या हुआ, ह्यूज गैप डाउन ओपन हुआ। मैंने लेवल्स क्या दिया था, इस लेवल्स के ऊपर बाई करना है, इस लेवल्स के नीचे सेल करना है, और ये भी एक लेवल्स दिया था यहाँ पर ओपन होता है तो इसके नीचे सेल करना है, और यहाँ पर ओपन होता है इसके ऊपर बाई करना है। ये सब कुछ लेवल्स दिया था बट कोई भी लेवल्स काम नहीं किया क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन ओपन होने के बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया, होल्ड किया मार्केट में, उसके बाद मैंने इस पॉइंट पे एंटर किया। ओके, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री दिया पुट साइड के लिए। ओके, मतलब डाउन साइड के लिए, सेल साइड के लिए, क्योंकि ऊपर मुझे दिखा 37,000 का एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, जहाँ पर सेलर्स लोग बैठा है मार्केट को नीचे लाने के लिए, स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम किया। और मैंने इसको टच किया भी नहीं, उसके पास जा रहा था, मुझे तभी मतलब अंदाजा हो गया था कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। इसको अगर टच करके ऊपर भी जाता तब भी मार्केट नीचे आएगा क्योंकि सेलर्स यहाँ पर भरपूर बैठा है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया और लोगों प्रीमियम क्लाइंट्स को भी बोला शॉर्ट करने के लिए, और यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा मूवमेंट आ गया। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला गया, और लास्ट में इस स्विंग, ये जो स्विंग है देखो, ये स्विंग, इस स्विंग के पास में जाकर मार्केट रिजेक्शन लेकर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। ओके, तो अब कल मार्केट क्या होने वाला है वो सब बताएंगे। तो सबसे पहले लेवल्स को डिलीट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करते हैं मार्केट कैसा है। तो देखो मार्केट ने एक अच्छे लेवल पर था, 38,000 को ब्रेक किया था, उसके बाद दोबारा गैप डाउन ओपन हुआ और इसके रेंज के अंदर था, तो अब दोबारा 37,000 का रेंज पे पहुंच गया है। मैंने पहले भी बोला था आपको इस लेवल्स को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा, अब दोबारा इस रेंज के नीचे मार्केट आ चुका है। तो हम सबसे पहले मार्क करेंगे 37,000 का राउंड लेवल्स। ओके, तो 37 का राउंड लेवल्स हमको मार्क करना है, क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर जाता है तो बाइंग सेट के लिए जाएंगे। ओके, डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट देगा तब हम बाइंग सेट के लिए नहीं जाएंगे, वो फेक ब्रेकआउट हो चुका है, हो सकता है। अगर इसको टच करके नीचे आता है तो हम रिट्रेस सेल करेंगे। ओके, ये सब कुछ ध्यान देना। तो फिर के चार्ट पे चलते हैं, बाकी आपको बताते हैं। तो मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ से थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। ओके, एक रेंज पे था, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ये रेंज को दोबारा हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये रेंज जो है ये हमने ड्रॉ कर दिया दोबारा। अगर कल मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करके यहाँ तक जाता तो यहाँ से दोबारा रिवर्स, एक काम करो, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये कंफ्यूज करेगा, इस ट्रेंड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, इस लेवल्स के ऊपर अगर जाएगा तो आपको बाय करना है, और इस स्विंग लो के नीचे आपको सेल करना है। आपको लग रहा होगा कि बीच में बहुत ज़्यादा एरिया हो गया जो नो ट्रेडिंग जोन है ये वाला। ओके, तो इसको भी नरोदन कर देते हैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे चलकर। बाकी अपडेट वगैरह मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन, उसका अपडेट तो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ओके, तो अगर नरोदन करना होगा तो मुझे ये एक लेवल्स मिला है जहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, कल दोबारा यहाँ से भी रिजेक्शन लेगा
ले सकता है। अगर लेगा तो आप सेलिंग साइड के लिए आना, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको ब्रेक कर करता है तो बाइंग साइड के लिए जाना, या तो फर्स्ट टारगेट बनाना। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो क्वांटिटी ऐड करके बाइंग साइड के लिए बैठ जाना, और इसको अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड के लिए आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एकदम सिंपल वैसे मैंने आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना है और स्टॉप लॉस को भी समझना है। वो सब स्टॉप लॉस को जो समझना है उसका जो एंट्री होता है वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ, इसलिए टेलीग्राम पर ज्वाइन होना, मैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। ओके, तो अब चलते हैं कहाँ पर, निफ्टी की तरफ। निफ्टी में हमने ट्रेड तो नहीं लिया था आज, फिर भी आपको बता देते हैं कैसा था मार्केट। मार्केट जितना नीचे आया था ऑलमोस्ट उतना ही, ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा कम रिकवरी भी हो गया। यहाँ पर भी गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर तक गया। ये मूवमेंट क्यों आया, क्योंकि मार्केट में जो जो सेल करके बैठे होंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा, इसलिए उन्होंने बाय कर लिया। बाय करने के लिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से नीचे गिरता है। ऊपर है 7240 का लेवल्स, 240 का लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लेना चालू कर दिया, और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करता हुआ नीचे आया और यहाँ पर एक लो लगाया। ओके, इसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ से रिकवर होकर ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, और क्लोजिंग देने के साथ ही यहाँ पर एक ड्रॉ करूँ, एक अगर देखोगे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाए जो अब तक ब्रेक नहीं हुआ। इसके ब्रेकअप पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आता है तो भी आप सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, सब कुछ ध्यान देना। ओके, चलो सबसे पहले लेवल्स को डिलीट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कैंडल कौन सा और कहाँ पर फॉर्म हुआ है वो देखते हैं। तो डोजी बन गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोजी का हाई और लो हमको मार्क करना है, बाकी बाद में, उसके बाद चलना है फिक्स के चार्ट पे। ओके, तो एक तो हो गया, इसके हाई के ऊपर बाय करना है आपको, गैप फील कर सकते हैं मार्केट ऊपर जाकर। डाउट वगैरह होगा तो काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, और गाइस हाँ लेवल्स दे दिए, इसके ऊपर आपको बाइंग साइड के लिए जाना है और इसके नीचे आपको जाना है सेलिंग साइड के लिए। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा वाइड है ये रेंज, इसको नैरो डाउन करना पड़ेगा। हाँ, नैरो डाउन करके दूंगा, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तब तक आपको एक और बात बता दें, अगर आपको हमारा प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करना है, पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, तो हमारा प्रीमियम सर्विस ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिनिमम सा फीस है वो पे करके ज्वाइन हो सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हर रोज आप जनरेट कर सकते हो। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन होना है तो LSBU का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाओ अकाउंट क्रिएट करो, एक्टिवली ट्रेड करो और क्लाइंट से हमारे शेयर करो, हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर लेंगे प्रीमियम ग्रुप में। ओके, और हाँ हमारा प्रीमियम कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो देखो ये लेवल्स, ये जो लेवल है इसको मार्क करके दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, देखो मैंने बोला था यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर से पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। ओके, और सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। ओके, तो ये है नेकलाइन, अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो भी आप बाइंग साइड के लिए जाकर अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। तो इसको ऊपर ही कर देते हैं, इसके ऊपर जाने पर भी आप बाइंग साइड के लिए जा सकते हो, तो इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ, तो इस स्विंग के ऊपर भी बाइंग साइड के लिए जा सकते हो। तो सिंपल सा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अगर ह्यूज गैप ओपन होगा तो क्या करना होगा, और ह्यूज गैप डाउन ओपन होगा तो आपको क्या करना होगा मार्केट में, उसका अपडेट हम कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो 1 लाख जरूर करना, आपका 1 लाख मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में सभी वीडियो करने के आपको टाइम मिल पाए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।